भेरों सिंह शेखावत मंच के संयोजक मांगीलाल जोशी ने कटारिया पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वल्लभ नगर में भाजपा को कांग्रेस के चरणों में समर्पित करने का काम भाई साहब ने ही किया है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के हाथों में पार्टी की कमान होने से उदयपुर में पार्टी की स्थिति लगातार खराब हो रही है। स्वाध्याय भवन में आयोजित बैठक में स्वर्गीय शेखावत की जन्मतिथि पर कार्यक्रम करने को लेकर आयोजित बैठक में कटारिया पर निशाना साधा गया। जोशी ने कहा कि एक शख्स द्वारा पार्टी को मुट्ठी में करने का प्रयास कभी सफल नहीं होने देगा। साथ ही सदस्यता अभियान चलाकर अगले 6 महीने में शेखावत मंच को एक मजबूत संगठन बनाने का भी संकल्प लिया गया। भोपालपुरा के कटारिया स्वाध्याय भवन में एकत्रित हुए ये सभी लोग स्वर्गीय भेरों सिंह शेखावत मंच से ताल्लुकात रखते हैं और भाजपा में वरिष्ठ और कर्मठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए अक्सर भाई साहब पर हमलावर नजर आते हैं। इस बैठक में भी संयोजक सहित कई लोगों ने टीम कटारिया द्वारा सीनियर कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उन्हें उनके इरादों में सफल नहीं होने का संकल्प दोहराया है। संयोजक मांगीलाल जोशी द्वारा सीधे सीधे कटारिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी एक व्यक्ति के हाथों में होने से कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वल्लभ नगर में भाजपा को कांग्रेस के हाथों सुपुर्द करने का काम भी कटारिया द्वारा ही किया गया है। उदयपुर में शेखावत मंच नाम से भारतीय जनता पार्टी के जितने पुराने और नेतावान कार्यकर्ता है उनका एक संगठन बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से अधिनायक वाली ताकत पूरी पार्टी को अपनी मुट्ठी में रखने का जो प्रयास किया जा रहा है उसका हम विरोध करते हैं। सवाल मेरा अपना मांगीलाल जोशी का नहीं है, मैं भले इस संगठन का मुख्य समन्वयक हो सकता हूँ पर हमारा अध्यक्ष के रूप में शांतिलाल जी चपलोत हो, चाहे इंगलाल जी कटारिया हो, चाहे किरण चंद्र जी लसोर हो, रोशन जी जैन हो, ये सारे पार्टी के पुराने निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। हम शेखावत साहब का 23 अक्टूबर को जन्मतिथि का जो कार्यक्रम मनाने वाले हैं इस नाते आज बैठक रखी गई और 23 तारीख को हम हमारे इस संगठन की सदस्यता का अभियान भी चालू करेंगे। हम चाहते हैं कि 6 महीने में उदयपुर के अंदर शेखावत मंच एक मजबूत सशक्त पूरा निष्ठावान कार्यकर्ताओं का संगठन बनते उभरे। आज पार्टी के कार्यकर्ता बड़ा अपमानित है, उपेक्षित है और तिरस्कृत है, यानी पार्टी के लोग ये चुनाव लड़ने की तमन्ना पाल रहे हैं। क्या 40 साल से एक व्यक्ति का ठेका है? हम इस बात का विरोध करते हैं और हम अपनी बात इस मंच के माध्यम से पार्टी के प्रदेश नेतृत्व तक पहुँचना चाहते हैं। इस प्रकार से उदयपुर को एक व्यक्ति को मत सौंपो और नहीं तो पार्टी को भारी नुकसान होगा, क्योंकि वल्लभ नगर में वो व्यक्ति पार्टी को कांग्रेस की चरण डाल चुका है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तिगत विरोध है, इस नाते आज बैठक रखी है और हम अपने संगठन को मजबूत बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाते हुए एक व्यक्ति की जो नीतियाँ हैं, गलत नीतियाँ और जिस प्रकार की तानाशाही है उसका विरोध व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए। भारतीय जनता पार्टी के आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनावों को देखते हुए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।